हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाई श्वेता टुडे वी विल डिस्कस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स तो आपको रियल नंबर्स तो पता है अब एक्सपोनेंट्स क्या है यहां पर एक्सपोनेंट्स को हम पावर बोलते हैं ये जो पावर में है वैल्यूज तो हम कुछ एक ला है इस एक्सपोनेंट के तो हम वो देखते हैं क्या है लेट ए ग्रेटर देन जीरो बी ए रियल नंबर एंड एम एंड एन आर इंटीजर्स यहां पर ए जो है वो हमने पॉजिटिव रियल नंबर लिया है और एम एंड एन क्या है इंटीजर्स हैं ठीक है तो फर्स्ट ला क्या है ए रेस्टू पावर एम इन टू ए रेस्टू पावर एन यहां पर ए क्या है ए बेस है तो बेस आपका हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा ठीक है और एम एन एन क्या है इंटीजर्स हैं तो ए रेस टू पावर एम इन टू ए रेस टू पावर एन मतलब अगर आपका बेस सेम हो पावर आपकी डिफरेंट हो तो आप क्या करेंगे बेस सेम लिख के पावर्स एड हो जाएंगी एम प्लस एन जैसे अगर आपके पास इस तरह से हो टू रेस टू पावर थ्री इंटू टू रेस टू पावर फाइव बेस यहां पर टू है पॉजिटिव नंबर है और पावर डिफरेंट है इंटीजर्स हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे बेस पावर्स ऐड हो जाएंगी तो टू एट आ जाएगा तो ये आपका टू रेस्ट पावर एट आ जाएगा ठीक है जब आपके पास ए रेस्ट पावर एम डिवाइड बाय ए रेस्ट पावर एन हो तो आपके पास ए एम माइनस नहीं है जैसे अगर आपके पास ऐसे हो टू रेस टू पावर फाइव डिवाइड बाई टू रेस्ट टू पावर थ्री तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइव माइनस थ्री अब आपकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो टू रेस टू पावर टू आंसर आ जाएगा ठीक है अगर आपके पास इस तरह से हो a रेस टू पावर m होल पावर n जब इस तरह से हो तो आपकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो a एम एन बन जाएगा ठीक है जैसे टू रेस टू पावर थ्री होल पावर टू हो तो टू रेस टू पावर सिक्स बन जाएगा थ्री इंटू टू तो टू रेस टू पावर सिक्स इसका आंसर होगा अगर आपके पास a रेस टू पावर एम इंटू बी रेस टू पावर m हो यहां पर आपके पास बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर आपकी एक बार लिख जाएगी ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हो टू रेस्ट टू पावर टू इंटू थ्री रेस्ट टू पावर टू अब यहां पर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो अब हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे टू इंटू थ्री यानी सिक्स रेस टू पावर टू आ जाएगा आपके पास यानी थर्टी सिक्स तो ये आंसर आ जाएगा इस तरह से और आपको ये तो पता ही है किसी की भी पावर अगर जीरो हो तो वो वन ही होता है किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर जीरो हो तो वन ही आएगा चाहे ए रेज टू पावर जीरो हो या बी रेज टू पावर जीरो समथिंग वन ही होगा तो ये कुछ एक लॉ है तो इसके बेस पे अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जैसे क्वेश्चन वन है फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड फर्स्ट पार्ट क्या है सिक्सटी फोर पावर वन बाय टू ठीक है तो यहां पर आप क्या कीजिए सिक्सटी फोर के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए ठीक है तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आपको इस तरह से चूज करनी है वैल्यू जैसे मैं इसके निकालती हूं प्राइम फैक्टर तो इस तरह से हमें पावर चूज करनी है कि ये वन बाय टू जो है टू हमारा कैंसिल हो जाए तो वो कैसे पॉसिबल है अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर इस तरह से ले लू टू एक बार थ्री टू एक बार और थ्री एक बार तो यानी ये क्या बन गया एट इन एट तो यानी एट स्क्वेयर लिख सकते हैं हम तो यानी सिक्सटी फोर किसका स्क्वेयर है एट का एट स्क्वेयर इंटू वन बाई टू ठीक है तो ये किस कौन सा फॉर्मूला बन गया हमने पढ़ा है a रेस टू पावर m होल रेस टू पावर n हो तो वो क्या बनता है a m n. तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपकी पावर्स. तो यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी टू से टू कैंसल तो एट रेस टू पावर वन बचा यानी एट बचा तो ये इसका आंसर है तो आपको अपने नंबर को ध्यान रखना है नंबर के फैक्टर इस तरह से लिखने कि आपकी ये पावर वन बाय टू है तो वो सॉल्व हो जाए ठीक है से, सेकंड पार्ट देखते हैं थर्टी टू रेज टू पावर वन बाय फाइव तो थर्टी टू के आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं अब हमें ऐसा फैक्टर देखना है जिसकी पावर फाइव हो तो यहां पे टू भी फाइव टाइम्स आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं टू रेस टू पावर फाइव अपॉन वन बाय फाइव तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो टू रेस टू पावर वन बचा यानी टू ही इसका आंसर है थर्ड पार्ट देखते हैं वन ट्वेंटी फाइव पावर वन बाय थ्री तो इसके भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे ऐसे फैक्टर जिसकी पावर थ्री हो तो वो क्या है फाइव पावर थ्री तो आप फाइव की पावर थ्री को चेक भी कर सकते हैं फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव दैट मींस ये क्या आएगा वन ट्वेंटी फाइव तो वन ट्वेंटी फाइव को हम फाइव रेस टू पावर थ्री भी लिख सकते हैं ठीक है तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा रेस टू तो पावर एम इन टू एन का तो यहां पर फाइव आपका आंसर आ गया अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं वो क्या है नाइन रेस टू पावर थ्री बाय टू ठीक है अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वहां पर तो आपके पास यहां पर वन था वन था और नीचे जो भी वैल्यू थी हमने उसके अकॉर्डिंग अपने फैक्टर्स फाइंड कर लिए तो हमारे पास अगर यहां पर वन था तो यहां पर भी सॉल्व करके हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही थी उसकी पावर वन थी ऐसे ही इसे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे हमें ऐसे वैल्यू फाइंड करनी है कि ये टू कैंसिल हो जाए ठीक है तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी अब उसकी पावर थ्री लिखेंगे जैसे यहां पे हमने पावर वन लिखी थी तो यहां पर अब थ्री आ जाएगा तो नाइन किसका स्क्वेयर है थ्री का है ये तो आपको पता है थ्री थ्री स्क्वेयर को हम कैसे लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री यानी नाइन तो नाइन को हम थ्री स्क्वेयर भी लिख सकते हैं तो थ्री स्क्वेयर लिखा और इसकी होल पावर क्या है थ्री बाय टू नाइन को हमने क्या लिखा थ्री स्क्वेयर और इसकी होल पावर थ्री बाय टू है तो एज इट इज लिख दिया अब सेम फार्मूला यूज हो रहा है पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो टू से टू कैंसल अब थ्री की पावर क्या रह गई थ्री तो थ्री की पावर थ्री का मतलब थ्री को थ्री टाइम्स लिखेंगे तो आपका क्या आंसर आ गया ट्वेंटी सेवन ठीक है नेक्स्ट पार्ट थर्टी टू की पावर टू बाय फाइव तो थर्टी टू के हमें पता है फैक्टर्स टू की पावर फाइव लिख सकते हैं इंटू टू बाय फाइव तो फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा टू रेस टू पावर टू यानी टू इंटू टू तो ये फोर आपका आंसर आ गया ठीक है तो ऐसे ही थर्ड पार्ट देखेंगे हम सिक्सटीन रेस टू पावर थ्री बाय फोर अब हमें सिक्सटीन के ऐसे फैक्टर बनाने हैं पावर हमें फोर मिल जाए ताकि वो फोर से फोर कैंसिल हो जाए तो वो क्या होती है टू रेस टू पावर फोर साइड में आप चेक भी कर सकते हैं टू रेस्ट टू पावर फोर क्या होता है टू को आप फोर टाइम्स लिखें अगर तो ये क्या आएगा सिक्सटीन ही आएगा ठीक है तो ये टू रेस टू पावर फोर यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर तो क्या लेफ्ट रह गया टू रेस टू पावर थ्री तो इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं ये एट आ जाएगा तो यही आपका आंसर हो गया अब है आपके पास 125 ट्वेंटी फाइव माइनस वन बाय थ्री ठीक है अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसकी पावर थ्री आ जाए तो हमें वो भी पता है कि फाइव की थ्री क्या होता है 125 होता है तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 थ्री रेस टू पावर माइनस वन बाय थ्री पावर एड हो जाए मल्टीप्लाई हो जाएंगी माइनस वन बाय थ्री ठीक है थ्री से थ्री कैंसल अब आपके पास ये क्या बचा फाइव माइनस वन ये ध्यान देने वाली बात है फाइव माइनस वन है तो इसे आपको अगर पॉजिटिव बनाना है तो ये इसके अपोन में आ जाता है वन अपोन फाइव पावर वन तो ये क्या बन जाएगा वन अपॉन फाइव तो ये आपका आंसर हो जाएगा to, आ, ये आपको पता होना चाहिए कि ए रेस टू पावर अगर माइनस एन हो तो उसे हम पॉजिटिव बनाने के लिए वन अपॉन ए रेज टू पावर एन लिख सकते हैं तो यहां पर हमने यही लिखा माइनस वन थी तो इसे हमने वन अपॉन फाइव रेस टू पावर वन लिख लिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई टू रेज टू पावर टू बाय थ्री इन टू 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 पावर वन बाय फाइव यहां पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेस सेम हो अगर तो पावर्स क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं हमने अभी पीछे पढ़ा है तो यहां बेस टू है पावर्स डिफरेंट है तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेस लिख के पावर्स ऐड कर देंगे ठीक है अब इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं यहीं पर हम ऊपर एलसीएम ले लेंगे फिफ्टीन एलसीएम आ जाएगा एलसीएम आपको लेना आता है तो क्या आ जाएगा थर्टीन अपॉन फिफ्टीन तो ये आपका क्या हो गया आंसर पार्ट पर आते हैं वो क्या है वन अपॉन थ्री थ्री रेस टू पावर सेवन अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये वैसे तो आपका यही क्वेश्चन बन रहा है ए रेस टू पावर एन की पावर एम हो तो इसे हम कैसे लिखते थे ए रेस टू पावर एन एम मल्टीप्लाई हो जाती थी पावर तो ये वैसा ही क्वेश्चन है ठीक है तो इसे हम हम कैसे लिख सकते हैं आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए पावर को और नीचे भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ठीक है तो ये क्या बन जाएगा वन की पावर तो वन ही रहेगी वन की पावर जितनी मर्जी हो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा यहां पर ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा ठीक है तो थ्री की पावर अब क्या बन जाएगी ट्वेंटी वन ठीक है तो यही आपका आंसर हो गया या इसे ऐसे भी ऊपर भी ले जा सकते हैं अब हम्म जैसे मैंने ये फॉर्मूला बताया आपको अगर इस फॉर्म का हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं अगर ऐसे लिखा हो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं वो आपकी मर्जी है या अगर आप ऐसे भी छोड़ आते हैं क्वेश्चन को तो भी आपका राइट है ठीक है तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं ऐसे ये भी आपका आंसर राइट है या अगर इसको ऐसे लिखो तो ये भी राइट है तो ये आपका आंसर हो गया नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इलेवन वन बाय टू इलेवन वन बाय फोर की पावर में है अब आप चेक कीजिए बेस तो यहां पर इलेवन है पावर डिफरेंट है तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास इस फॉर्म का क्वेश्चन हो बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो यहां पर हमने माइनस कर दी थी पावर्स ठीक है तो यहां पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा माइनस वन बाय फोर तो यहां पे आप एल्शियम ले लीजिए ये भी क्या आ गया लेमन वन बाय फोर तो ये आपका आंसर हो गया नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सेवन की पावर वन बाय टू इंटू एट की पावर वन बाय टू पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि अगर आपके पास बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर आपकी सेम ही रहती है ठीक है तो यहां पर भी हम ऐसे करेंगे सेवन इंटू एट बेस आपका वन बाय टू तो ये आपके पास आ गया फिफ्टी सिक्स वन बाय टू तो ये आपका आंसर हो गया तो आपके क्वेश्चंस सिर्फ इन फार्मूलाज पर ही डिपेंड है तो अगर आपको ये फार्मूलाज लर्न है तो आप ये सारे क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दी कंसेप्ट इफ यू लाइक माई वीडियो प्रेस दी लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू